नमस्कार दोस्तों विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में, में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग अलग तरह के स्पेयर पार्ट्स दिखाने वाला हूं दोस्तों ये मिक्स लोट है और कुछ का मुझे पता है मुझे जानकारी है कि किस तरह के मैकेज्म या कैसेट प्लेयर में यूज़ होंगे कुछ का मुझे पता नहीं है तो जो भी सीनियर लोग जो जानकार रहे हैं अपने ज़माने में दोस्तों क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें मैनुफैक्चर नहीं होती तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये कौन सा पार्ट किस मैकेनिज्म या किस कैसेट प्लेयर के किस मॉडल में यूज़ होता है तो दोस्तों आपके एक कमेंट से वो बहुत सारे लोगों के लिए सुविधा हो जाती है और हमें पता चलता है मैं भी सीख रहा हूँ आप ही लोगों से वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट किस तरह के कैसेट प्लेयर में यूज़ होता है तो चलिए शुरू करते हैं और जो मुझे पता है दोस्तों मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा जैसे कि ये पहला आप देख रहे हैं ये गोल्डन मैकेनिज्म में यूज़ होता है ये जो प्लेट है पूरा इसमें पिंच रोलर हेड और इरेज हेड यहाँ पर लगा सकते हैं रोलर दोस्तों लगा हुआ है ये गोल्डन मैकेनिज्म का है और ये वाला पूरा ये आप देख रहे हैं ये पैकेट इसी का है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों एक ये रोलर है इसका आप देख सकते हैं बट इसका डिज़ाइन देखकर मुझे पता नहीं है किस मैकेनिज्म में यूज़ होता है कई कई -कही बार ऐसे दोस्तों रिकॉर्डिंग मशीन आती थी तो उसमें ये चलता था रोलर और इसके लिए भी ये पूरा प्लेट है यही वाला रोलर इसमें लगा हुआ है इस प्लेट में ये पूरा प्लेट इसी का है और इसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे होंगे एक पैकेट बना हुआ है ये अपना गोल्डन का रोलर है इसमें तो कोई भी समस्या नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है ये एक थोड़ा सा नया है ये वाला आप देख सकते हैं ये दोस्तों और एक ये है जो इसी पैकेट में नीचे की तरफ है ये इसके अलावा तो कुछ नहीं है ये सब वही गोल्डन का ही नीचे भी रोलर है और इसके बाद आते हैं दोस्तों तो ये नोब सेट है आपने कई बार एफ एल डी प्लेयर में देखा होगा कि पावर ऑन ऑफ ओक्स या टेप और एक और बटन रहता था लाउडनेस का तीन सेलेक्टर स्विच आते हैं तो वहाँ पर ये नोब नोब यूज होता है ये तीन नोब सेट का पैकेट है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कुछ ये आर एक्स का मोटर वाला जो असम्बली चेसिस है ये पत्ती बोल सकते हैं मोटर लगाने के लिए आरक्ष मैकेनिज्म में और ये नोब सेट लगाने के लिए है और एक और है ये ये भी मोटर का ही है दोस्तों लेकिन मुझे नहीं पता कौन से ये मशीन का है उसके अलावा दोस्तों एक और ये है ये क्लच जैसा उसमें आगे गियर लगा हुआ है और एक पत्ती है लोहे की इसके बाद दोस्तों ये एक गियर सेट असेंबली है ये कार मैकेनिज्म जो होता है ऑटो रिवर्स वाला उसका है ये पुली के साथ साथ और सारे गियर इसमें दिए गए हैं मैं आपको मैकेनिज्म दिखाना चाहूँगा ये वाला जो मैकेनिज्म होता है कार कैसेट प्लेयर का ऑटो रिवर्स टाइप का ये यहाँ पर इसी में यूज़ होता है ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों इसी तरह से यहाँ लग जाता है इसके अलावा दोस्तों ये आर एक्स का क्लच है इसमें एक तरफ गियर है और दूसरी तरफ पुली के लिए रहता है माफ़ कीजिएगा पुली तो नहीं है पीछे ये गियर है और पीछे एक स्प्रिंग के साथ ये पुली ही है दोस्तों माफी चाहूँगा मुझे देखने में थोड़ी गलती हो गई तो इसको साइड में करते हैं ये सब हमने देख लिया और दोस्तों एक बड़ी ही जो दिलचस्प वो चीज़ है वो ये है ये एक पैकेट है और इसमें कुछ कैप्सूल जैसा है तो ये आप देख रहे हैं एक कैप्सूल है जैसे दवाई का कैप्सूल होता है और इसके अंदर एक बुश है तो दोस्तों आप चाहे इसे ख़रीदना चाहें ना चाहें लेकिन आपकी यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी कि उस ज़माने में किस तरह से हम चीज़ों को सुरक्षित रखते थे तो ये इसलिए है दोस्तों कि ये इस पर हवा ना लगे नमी ना लगे कोई मोश्चर ना लगे और बुश ख़राब ना हो लेकिन दोस्तों पैकेट पर कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है बुस का तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कौन से ये मैकेनिज्म में फिट होगा मेरे ख्याल से एफ में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है अगर आप इसके जानकार हैं कभी भी आपने ये देखा है इस्तेमाल किया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके उसके बाद दोस्तों ये है ये पुली डबल बेल्ट वाला पुली है और ये दोस्तों आप देख रहे हैं सेंटर पुली है यहाँ पर ये मार्क किया गया है सोनी का सोनी का सेंटर पुली है लेकिन किस मॉडल का है वो इस पर नहीं लिखा है एफ का तो ये पुली नहीं है वो तो दिखने में ही लग रहा है और दूसरा दोस्तों ये एक और सेंटर पुली है ये वाला आप देख रहे हैं ये वाला तो गोल्डन मैकेनिज्म का है ये कंफर्म है इसका नहीं पता है इस पर कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है बाकी अगर आप देख के से समझ सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा और एक ये क्लच है इसका कोड थ्री फोर ज़ीरो है दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं लिखा दोस्तों वो दौर था वो समय था जब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐसे ही सबको समझ में आता था लेकिन आज के टाइम में बताना थोड़ा मुश्किल है और ये है एक पार्ट आप देख रहे हैं एक ही एक क्लच है और जी एक ये है एक पीस पे सोनी लिखा हुआ है सोनी का ये सेंटर पुली और ये अपना गोल्डन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो आप ये पुली का पेयर देख सकते हैं एक थोड़ा बड़ा रहता था इसका जो बेस है जो नीचे का हिस्सा है वो बड़ा है वो दूसरा छोटा है यही है दोस्तों इस पर तो कोई कोड जैसी चीज भी नहीं लिखी गई और ये है अपना कार कैसेट मैकेनिज्म का कार मैकेनिज्म का पुली और यहाँ अगर हम आए तो इसका कोड है थ्री ज़ीरो टू और ये दोस्तों ऊपर जो है ये तो गोल्डन मैकेनिज्म का प्ले पुली है और नीचे आप देख सकते हैं यही एक छोटा एक बड़ा दोस्तों मुझे तो ये कंफर्म नहीं है कौन से मैकेनिज्म का है कि और एक और ये है टेकअप पुली प्ले एस के नाइन इसका कोड है ये आप देख सकते हैं तो दोस्तों यही थे कुछ स्पेयर पार्ट्स जिनके बारे में वीडियो था अगर इनमें से आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नमस्कार दोस्तों